हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th फिज़िक्स। तो आज हम क्लास 10th की फिज़िक्स को अकॉर्डिंग टू अवर CBSE करिकुलम 2020-21-22 के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस साल जो जो भी आपके सिलेबस के अंदर चेंजेस आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे चेंजेस मैं कवर करूँ आपके लिए। जो भी आपका पार्ट रहेगा, चाहे कोई वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे कोई थ्योरी का पोर्शन हो, MCQ हो, सर्च रीजन हो, वट एवर भी, हम सब टॉपिक्स को इस साल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो क्लास 10th की फिज़िक्स का है, इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किस स्कूलों में, हम इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। और जो सेकेंड पोर्शन है, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन जिसमें आप ग्लास की स्टडी करते हो, लेंसेज की स्टडी करते हो, ये जो पार्ट ऑप्टिक्स का, ये सेकेंड हम स्टडी करेंगे सेकेंडली। ठीक है, तो मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इज, इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की डेफिनेशन से, कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज, है ना। तो फिजिक्स की हम बात करते हैं, फिजिक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए, साइंस का ही एक पार्ट है ना। साइंस ही आपको बायोलॉजी, साइंस ही आपको केमिस्ट्री, साइंस ही आपको फिजिक्स जो है पढ़ने को मिलेगी। तो साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम डील करेंगे विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जिससे हम डील कर रहे हैं नेचर के अंदर, नेचर के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जांपल, आज मौसम बहुत ठंडा है, जुलाई का मंथ चल रहा है और मानसून आ चुके हैं, तो अभी सर्दी है, कभी गर्मी है। ये जो वेदर चेंज हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है ना। तो नेचर के अंदर एक्टिविटी हो रही है, तो नेचर के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये जो है फिजिक्स है। सो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना मतलब कुदरत में होने वाली घटनाएं, जो भी कुछ उसके अंदर हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या नेचर से ही है? यस, आंसर इज यस, इलेक्ट्रिसिटी भी नेचर से है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके बात बताता हूँ। नेचर के अंदर आपने जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है, क्लाउड्स वगैरह होते हैं, तो आपने आप एक लाइटनिंग इफेक्ट देखा होगा, स्पार्किंग देखी होगी बादल के अंदर ना, स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग होती है। वो लाइटनिंग, वो इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिसिटी है जो आज की डेट में हमारे घरों के अंदर आ रही है, जिससे हम फैन चला रहे हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिससे हम चला रहे हैं, क्या वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आसमान में है? ठीक है, पुराने टाइम के अंदर सोचा जाता था कि हाँ, 3300 देवी देवता है हमारे इंडिया के अंदर, कोई लड़ रहा होगा, कोई तलवारबाजी कर रहा होगा, तो शायद उनकी तलवारें चमक रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। एक्चुअल में क्या होता है, जब चार्ज कैरियर्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, तो चार्ज कैरियर के स्ट्राइक होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यस, इलेक्ट्रिसिटी हम नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं। जब वही चार्ज कैरियर्स को हम अपनी लैब के अंदर लेकर आते हैं, हम अपनी लैब के अंदर उनका मोशन करवाते हैं, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज। ठीक है, ये तो आपने सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है डेफिनेशन से। आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ डेफिनेशन फिजिक्स की, तो आप ये डेफिनेशन बताओगे कि व्हाट डेफिनेशन इज। ओके, सो हमने स्टार्ट किया है नेचर से। अब नेचर से मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकली है, नेचर से। इसकी एग्जांपल क्या ली मैंने आपके, लाइटनिंग इफेक्ट इन द स्काई। ठीक है, जो लाइटनिंग इफेक्ट होता है, दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका कारण क्या है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस, चार्जेस के कोलिजन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जो है नेचर के अंदर देखने को मिलती है। चलिए, एक क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है कि चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बट चार्जेस है कहाँ, हमें कहाँ मिलेंगे चार्जेस देखने के लिए। तो आप सिक्स स्टैंडर्ड से आपने चार्जेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वी गेट द चार्जेस फ्रॉम द एटम, होगा ना, ये सब पढ़ा हुआ है। तो चलिए फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है कि क्लाउड्स के अंदर जो है लाइटनिंग के अंदर चार्जेस जो है, क्लाउड के अंदर जो हमें लाइटनिंग इफेक्ट मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस, बट व्हाट चार्जेस, चार्जेस है क्या, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है, तो सबसे पहले बात करूँगा, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। तो जो भी हमारे अराउंड है, चाहे आप किसी टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, ठीक है, या आपके अराउंड कोई भी आप मटेरियल देख रहे हो, ये बोर्ड भी जो है, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम बेसिकली, हमने जो एटम की स्टडी स्टार्ट की थी सर जे थॉमसन से स्टार्ट की थी। तो अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन, हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन ने हमें एक एटम का मॉडल दिया था, जिसको सर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस एक्टिविटी के लिए।
तो इनके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर है, पर कहाँ पर नेगेटिव है कहाँ पर पॉजिटिव है हम कुछ नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक खीर बनाते हो ना, खीर के अंदर कहाँ काजू है कहाँ बादाम है कहाँ मटेरियल्स हैं इंग्रेडिएंट्स हैं तो हमें पता नहीं है, वो तो हम मैश कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलता। सिमिलरली एटम के अंदर उन्होंने बोला कि हाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज तो है और पर कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए भी सर को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट है दैट इज़ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो है उन्होंने हमें कुछ इसका रूप निखार के दिया। उन्होंने क्या बताया कि हाँ एटम के जो सेंटर के अंदर है, एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके अराउंड जो शेल्स के अंदर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आई थी, सर ने जो है रदरफोर्ड सर के जो ये शेल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड थे। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कनेक्टेड है नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे घूम घूम के इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है लॉन्ग टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चल के आएगा इसके अंदर चला जाएगा तो एटम की जो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं चला, ये फेल हो गया था। उसके बाद हमारे पास बोहर का मॉडल आया। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, ये आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो एटम के सेंटर के अंदर ये क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वी कॉल इट अ न्यूक्लियस। एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर ऐसे ना वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है। इसके अराउंड यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट एट 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 हम सोन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये बोहर का एटम था। तो बोहर मेन बात क्या है, बोहर के अंदर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है अलग अलग हो चुका है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर और नेगेटिव चार्ज शेल्स के अंदर रहेगा, ये आपने पढ़वा। इसके बाद एक और मॉडल आया दैट इज़ डी ब्रॉगली मॉडल ऑफ एटम। ये हम प्लस टू के अंदर स्टडी करेंगे एक्चुअली डी ब्रॉगली मॉडल, क्योंकि टेंथ का ये इतना पार्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली उसने भी मतलब जो बताया है कि चार्जेस की जो पोजीशन है और मोमेंटम है ये अनसर्टेन रहेगी, हम कभी भी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता नहीं कर सकते। मतलब इनके अकॉर्डिंग मैं शॉर्टली बता रहा हूँ आपको कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है सेंटर के अंदर है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहाँ है उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना इट्स सो डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। इसको हम आपको प्लस टू में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास मॉडल ऑफ एटम्स कितने टाइप्स के हैं। तो एटम के अंदर से हमें चार्ज मिला, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं हमने चार्ज के ऊपर। तो एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम, और चार्ज कहाँ है, चार्ज इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब इससे छोटा नहीं है कुछ, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच प्रेजेंट इनसाइड द एटम, एटम के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। विच हेल्प्स टू क्रिएट अ फोर्स, चार्ज का काम क्या है, चार्ज का काम है किसी भी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने का काम करता है। और क्या है, दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल। ये जो फोर्स है किस तरह की रहेगी, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है। देखो नेचर है, हमारा नेचर क्या है, हमें दो बंदे मिलते हैं चार बंदे मिलते हैं, हम किसी से बात करना पसंद करते हैं, हम किसी को अवॉइड भी करते हैं ना, तो ये हमारा नेचर है। इसी तरह चार्ज का भी अपना नेचर है, ये किसी को अपने पास बुलाना है और किसी को दूर भेजने की कोशिश करता है। सो इट अट्रैक्ट सम मटीरियल और इट रिपेल सम मटीरियल, किनको अट्रैक्ट करेगा किनको रिपेल करेगा ये भी हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक हो गया चार्जेस के बारे में, आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो हम जो है बात कर रहे थे चार्ज है ना, तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके कि चार्ज नेचर के अंदर है, तो उसका कोई एविडेंस, मैंने बोला कि चार्ज जो है आपको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों काम करके बताएगा ना, तो इसका मैं एक आपको एविडेंस देने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने ना मेरे पास एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, ये देखिए बहुत छोटा सा टुकड़ा है। तो इस टुकड़े को मैं इस पेन से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, यू कैन सी आई एम टचिंग द पेन टू दिस वन, ओके, मैंने पूरा पकड़ के रखा है, फिर भी ये जो है पेन है, आपको साउंड भी आ रहा होगा, तो इसको नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी आर रबिंग द पेन, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप किसी भी कपड़े से रब कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप ये सेम एक्टिविटी अपने घर पे बैठ के अभी कर भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आफ्टर रबिंग ये पेन चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही ये पेन चार्ज हो जाएगा आप देखना इसको कैसे पकड़ता है ये। तो अब ये चार्ज हो चुका है होपफुली, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो आई एम टेकिंग नियर टू दिस
अब देखिए मैंने इसको टच भी नहीं किया, फिर भी इसने इसको पकड़ लिया। सी अगेन, आई एम अगेन चार्जिंग इट, यू कैन सी। मैं इसको इसके पास ही लेके जाऊंगा, जस्ट ये देखिए जंप हुआ तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो लाइक दिस, अब ये चिपक चुका है, इसको अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो नीचे नहीं जा रहा है। सो यस, कि दुनिया के अंदर चार्जेस हैं, मतलब ये एक चार्ज का काम क्या था, चार्ज ने फोर्स लगाई तो ये फोर्स हमें मिली, इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है, और चार्जेस के नेमिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं चार्जेस के टाइप्स की, ठीक है। अब हम चार्ज हमारे पास है तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, चार्ज की टाइप्स जो है हमारे पास दो है, फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। वाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कोई और नाम क्यों नहीं, अल्फा बीटा गामा, वाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया, ये जो पेन है, इस पेन को मैंने इस कागज़ से रब किया, और सॉरी कपड़े से रब किया तो ये चार्ज हो गया। तो मैंने एक पेन को जब रब किया ये चार्ज हो गया, तो इससे मैंने एक पेपर का टुकड़ा, ठीक है, पेन से पेपर के टुकड़े को उठाया, तो आंसर है ठीक है, इस पेन ने इस पेपर के टुकड़े को उठा लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्लास की एक रॉड लेकर आ रहा हूँ, ग्लास की रॉड, ठीक है। ग्लास की रॉड को भी ऐसी, जैसे ग्लास होता ना, ग्लास की रॉड को ऐसे रब कर रहा हूँ, उससे भी मैं पेपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी पेपर को पिक कर रहा है, ग्लास की रॉड भी है जो पेपर को पिक कर रही है, ठीक है। तो पेन का पेपर को पिक करना, मान लीजिए कोई ताकत है +5, ये कोई ताकत है +5। अब ग्लास भी पेपर को पिक कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ग्लास की रॉड को मैंने, ग्लास की रॉड से पेपर को उठाया, इसने भी उठाया, मान लीजिए ये कितनी ताकत है +5, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो ये भी पेपर को पिक कर रहा है, ये भी पेपर को पिक कर रहा है। अब मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है कि ये दोनों इसको पिक कर रहे हैं, अब मैंने इन दोनों को इकट्ठे ले लिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया आपका प्लास्टिक, ठीक है, ये जो है पेन है, और ये कंसीडर इट इज़ ए ग्लास, तो मैंने दोनों को इकट्ठे ले लिया ऐसे, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया। दोनों को कंबाइन करने से जैसे ही मैं ऐसे पेपर का टुकड़ा उठाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये पेपर का टुकड़ा नहीं उठा पा रहा। सोचिए +5 +5 मिलके 10 होना चाहिए था, ठीक है, तो इनको और ताकत से पेपर को उठाना चाहिए था, बट हो कह रहा है जैसे इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो दोनों जो है पेपर के टुकड़े को नहीं पिक कर रहे हैं। तो पेपर के टुकड़े को दोनों पिक नहीं कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि ये जो +5 +5 है, ये ताकत कितनी हो चुकी है, आंसर है 0 हो चुकी है। अब मैथमेटिक्स के अंदर 0 कब मिलेगा, अब देखिए ना, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो हम उसको बोलते हैं तो ख़त्म है, ये 0 है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो 0 जो है हमारे पास एक साइंस की ब्रांच है मैथमेटिक्स, उसमें मिलता है। तो 0 को हम कैसे बोल सकते हैं, अगर पेन में +5 था तो ग्लास में +5 नहीं -5 था, तो +-0। तो इसी कारण जो चार्जेस के नाम है प्लस और माइनस के ऊपर रखे गए, कि चार्जेस हमें प्लस में भी मिलते हैं और माइनस में भी मिलते हैं, इसके बाद हम चार्जेस के अंदर उनके करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। सो दैट इज़ वाई चार्जेस आर नेम्ड एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ तक हम चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्जेस की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे।